व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, कहां कब क्यों। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। कहते हैं कल हमने आपने रेडियो और न्यूज़पेपर को पढ़ा। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। कहते हैं वही अगर आपसे पूछो कि पिछले साल क्या किया था तो शायद ही आपको याद हो, शायद ना भी याद हो। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पुराने टाइम के बारे में हमें क्या पता है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वोर। कहते हैं ये बहुत चीजें हैं जो कि जाननी है हमें कि लोग क्या खाते हैं, लोग कैसे के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, कैसे के हाउस जो हैं, कैसे घर में जो हैं वो रहते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। कहते हैं हम हर किसी की लाइफ अलग अलग है और इनकी क्या लाइफ है, एक हंटर की क्या लाइफ है, एक हर्डर की क्या लाइफ है, फार्मर, रूलर, इन सब की जो लाइफ है वो क्या है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्ले, कहते हैं हमें ये जानना भी है कि जो बच्चे हैं वो कौन से गेम्स खेलते हैं। द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी वो स्टोरीज जो है सुनते हैं। द प्लेस दे सो, कौन से जो प्लेज हैं, कौन से नाटक जो है वो देखते हैं, कौन से सॉन्ग है जो वो गाते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, कहते पहले कि लोग कहाँ रहते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर। कहते हंड्रेड थाउजेंड ईयर पहले जो लोग थे वो नदियों के किनारों पे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड वर हियर वर स्किल्ड गैदर्स, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। कहते हैं लोग इकट्ठे होके रहते थे ताकि जो फूड को वो कलेक्ट कर सकें आसानी से, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने आसानी से जो है फूड कलेक्ट होगा, तो इसलिए वो इकट्ठे रहते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टिंग रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द फूड। कहते उनके आसपास क्या हो रहा है, एक प्लांट से उनको क्या चीज मिल रही है, एक फॉरेस्ट से क्या चीज मिल रही है, एक प्लांट के रूट्स, उनके फ्रूट्स, उनका जो खाना है उससे क्या कुछ मिल रहा है वो जानेंगे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, कहते हैं वो लोगों को, वो जो लोग थे वो जो है जानवरों को भी मारते थे। नेक्स्ट, ये पुराने लोगों के बारे में बताया जा रहा है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 3000 years ago. कहते हैं कि are located here. कहते हैं इतनी देर पहले, कहते हैं इतनी देर पहले जो women और men हैं उन्होंने सबसे पहली crop जो है वो कौन सी grow की थी, wheat और barley. इतने साल पहले उन्होंने सबसे पहले जो क्रॉप ग्रो की थी वो थी वीट और बाले। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। कहते हैं लोगों ने एनिमल्स को चलाना भी स्टार्ट किया, उन मतलब कि विलेज में वो रहते थे, फिर जो एनिमल्स से जो प्रोडक्ट्स मिलते थे उनको कैसे करना, सब कुछ हैंडल कैसे करना, और एक शिकार एनिमल्स का क्या करना, ये सब चीजें करना सीखा। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर
these were some of the other areas where next next वेयर एग्रीकल्चर डिवेलप, कहते हैं कुछ ऐसी जगहें भी थी जिधर खेती बाड़ी होना शुरू हो गई थी. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्या, कहते हैं सबसे पहले जो राइस है वो कहाँ ग्रो होना स्टार्ट किए, नॉर्थ वाली साइड में विंध्याज है उधर जो है ग्रो होना स्टार्ट किए. ट्रिब्यूटरीज trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a large river. एक बड़ी सी एक मतलब एक नदी जा रही है उसमें से जो है पानी का लोग यूज कर सकें तो छोटे छोटे जो है ट्रिब्यूटरीज बनाई जाती हैं. ट्रिब्यूटरीज मतलब कि छोटे छोटे रास्ते जो है बना दिए जाते हैं जिधर से पानी जो है वो नदी का कनेक्ट कर दिया जाता है और वो जाता है उसके फ्लो के साथ कि वो जो है लोग यूज कर सकते हैं. तो ये ट्रिब्यूटरीज बना दी गई थी इंडस रिवर के साथ. अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स, कहते हैं इतने साल पहले जो है कई जो सिटीज हैं कई जो शहर हैं वो जो है डूब गए, फ्लरिश्ड डूब जाना ये रिवर्स के कारण जो है डूब गए थे. लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, कहते हैं इतने साल पहले जो सिटी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया गंगा के पास जो है गंगा के मतलब साइड्स में बैंक अगो मतलब पहले अगो मतलब पहले पुरानी. फिर कहते हैं कि जो सिटीज जो है वो जो है शहर जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए गंगा के किनारों पे और एंड इट ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, कहते हैं छोटी छोटी जो वो नदियां हैं वो भी स्टार्ट होगी बननी जो कि सी कोस्ट कोई भी नदी से जो है ज्वाइन करती थी और वो ट्रिब्यूटरीज भी जो है बननी स्टार्ट हो गई. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सन, इन एशियन टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा नाउ लाइंग इन स्टेट ऑफ बिहार, कहते हैं फिर जो गंगा के पास जो ट्रिब्यूटरी बननी उसको बोला गया सन सन बोले गए थे. कहते हैं इन एशियन टाइम्स मतलब पुराना समा, एशियन मतलब पुराना, टाइम्स समा, पुराने समय में एरिया जो जगह है रिवर्स के पास, कौन सी रिवर के पास, गंगा जो कि साउथ वाली साइड जो फ्लो कर रही है गंगा उसके पास की जो जगह है उधर जो है एक उसको बोला गया, उस जगह को जो है बोला गया मगधा जिसको अब बिहार बोला जाता है. इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, कहते हैं उधर के जो रूलर्स हैं मतलब जो किंग्स हुए हैं उधर, कहते हैं वो बहुत ताकतवर थे इसलिए उन्होंने काफी जगह जो है घेरी रखी और उस उधर अपना जो है इतना बड़ा किंगडम जो है वो बनाए रखा. नेक्स्ट throughout people travel from one part of the subcontinent to another. Subcontinent का मतलब होता है जैसे कि इंडिया है,
इंडिया में जो उत्तराखंड, जम्मू, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, ये जो सारे हैं, ये क्या है? सब कॉन्टिनेंट। इसको हम बोलेंगे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। ये सारे जो शहर हैं, जम्मू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो, ये क्या है? ये सारे सब कॉन्टिनेंट है। कहते हैं लोग फिर एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाना शुरू कर दिया। जैसे कि मान लो जम्मू से उन्होंने उत्तराखंड, उत्तराखंड से हिमालय, देन गुजरात जो है ये जाना शुरू कर दिया। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। कहते हैं जो ऊंची ऊंची पहाड़े थी, डेजर्ट थे, रिवर थे, सी थे, उन्होंने हमारी जो जर्नी है वो मुश्किल तो कर दी थी, पर कहते हैं इतनी भी मतलब मुश्किल चाहे कर दी थी पर इम्पॉसिबल नहीं की थी, कि वो जो रास्ता है वो गुजरना थोड़ा मुश्किल जरूर था, उस रास्ते से गुजरना, बट इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फूड एंड ड्रॉट्स। कहते हैं वो मैन और वुमेन जो है वो अपने रहने के लिए, लाइवलीहुड मतलब रहने के लिए जो है, कि कहाँ रहना है, उसके उसके उसकी सर्च करने लग पड़े। और कहते हैं कि अगर मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मतलब कोई नेचुरल जो है डिजास्टर अगर आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, कुछ आ जाए, तो जो लोग जो है उधर से निकल सके, इसके मतलब निकल जाना किसी जगह से, उधर से जो है वो निकल सके। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स। कहते हैं कई बारी जो मैन है वो कभी कभार आर्मीज में होते थे, तो लड़ाई लड़ाई वो करते थे एक जगह से दूसरी जगह, फिर भी उनको जाना पड़ता था एक एक जगह से दूसरी जगह। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विद कार्वन्स और शिप्स कैरिंग वेल्युएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहते हैं वो जो शिप में ट्रेवल कर रहे थे, शिप्स को कार्वन्स कहते हैं, कि उधर जो वो मतलब शिप्स को वो चला रहे थे, उसमें जो ट्रेवल कर रहे थे वो एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान पहुंचाना होता था, उसमें बड़ी मदद करती थी शिप्स। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस। स्टॉप बिसाइड मर्चेंट्स, ओके, स्टॉपिंग टू अदर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। कहते हैं जो रिलीजियस टीचर्स थे, मतलब जो धर्म की शिक्षा देते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जाना जो है शुरू कर दिया था, अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपने विचार जो देने, अपनी राय, एडवाइस मतलब राय, अपनी अपना ओपिनियन जो देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। कहते हैं कि सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कहते हैं कुछ जो लोग थे उन्होंने जो है ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, कि हाँ हम घूमेंगे, एक एडवेंचर होगा घूमना, और हम कहीं कहीं न्यू चीजें जो है वो देखेंगे, और कोई एग्जाइटिंग वाली चीजें हैं जो हमें नहीं पता जो है उसके बारे में हम पता लगाएंगे और उसको देखेंगे। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और ये अगर आप वो जगह जाना चाहते हो, कोई मतलब ऐसी जगह जिधर आप नहीं गए हो, जानना चाहते हो उस बारे में, तो उसके लिए आपको जो अपने विचार है, आइडियाज, अपने जो विचार है वो दूसरों से जो है शेयर करने ही पड़ेंगे, तभी है ये चीज हो सकती है। फिर ही लोग आपको बताएंगे कि हाँ ये वाली जगह है जिधर पुराना ऐसा ऐसा हुआ था, तो इधर जा।
देख कि हाँ क्या हुआ था। अब के दिनों में लोग जो है ट्रेवल क्यों करते हैं? हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रॉन्टियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो ये हिल, माउंटेन्स और सीज हैं वो नेचुरल फ्रॉन्टियर्स हैं, मतलब कि नेचुरल फ्रॉन्टियर्स मतलब एक ब्यूटीफुल नज़ारा, नेचुरल जो है नज़ारा है एक हर एक सब कॉन्टिनेंट का। सब कॉन्टिनेंट जो मैंने बताया, हर एक स्टेट का एक खुद का नज़ारा है कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ जो है अच्छी चीज देखने को जरूर होती है। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas। कहते कभी कभार ये नज़ारों को देखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, माउंटेन से गुजरना पड़ता है, सीज जो है रिवर्स उनसे गुजरना पड़ता है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रॉन्टियर्स, नेक्स्ट, ऑल्सो केम इन टू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल देम। कहते हैं लोग कई बार ये नज़ारे देखने आते हैं अपने शहर से, और वो ही जो शहर है वहां ही जो है रहने लग पड़ते हैं क्योंकि इतना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ पीपल इन इन रीच अवर कल्चर ट्रेडिशंस, पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। कहते हैं जब लोग जो है वो जो है अपना कल्चर को देखते हैं और जो है चीजें को समझते हैं, तो उनमें जो है एक दिलचस्पी सी जो है वो आ जाती है कि हाँ हम और जाने अपने जो है ट्रेडिशन के बारे में, अपने जो कल्चर है, अपने जो धर्म है उसके बारे में जो है और जाने। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। कहते हैं लोगों को अब जो है कहते थे कि स्टोन्स जो है उसके साथ वो आग जलाते थे। कहते ये चीज करना और एक गाना जो है कंपोज करना, बनाना, कुकिंग करनी, कहते ये चीजें जो है ये काफी देर पहले लोगों को आती थी, बट ये अलग बात है कि कभी उन्होंने हमारे से शेयर नहीं की, कि मतलब उनको पता नहीं सी नहीं आई कि उन शेयर नहीं कर पाए कि ऐसी कोई चीजें होती हैं। कि अब जैसे कि अगर एग्जांपल है अर्ली मैन है, जो वो अर्ली मैन हुए हैं उनको तो चलो बोलना नहीं आता था, वर्ड्स बोलने नहीं आते। फिर आगे जो और आए हैं लोग, उनमें कहीं ना कहीं किसी को किसी ना किसी का जो सुर रहा है, आवाज है, वो काफी अच्छी होगी, म्यूजिक वो गा सकता होगा, बट वो बोल नहीं पाया क्योंकि तब ये वर्ड जो है म्यूजिक था ही नहीं, मे बी इस कारण ही वो बोल पाया कि हाँ मेरी आवाज अच्छी है एंड ऑल। आगे है नेक्स्ट, नेम्स ऑफ द लैंड, जमीनों के नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया, लैंड जमीन, जमीनों के नाम जमीन। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफ्टन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। कहते हैं दो शब्द जो हम अपने देश के लिए यूज करते हैं वो है इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। कहते हैं जो वर्ड इंडिया है ना वो कहाँ से आया है? इंडस। इंडस क्या है? रिवर। उधर से आया है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं। किसको? इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो वर फेमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंडस, इंडस एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडिया।
कहते हैं ईरान और जो ग्रीक हैं जो आए हैं नॉर्थ वेस्ट से, तो वो अच्छे से जानते हैं कि इंडस क्या है, कि इंडस एक रिवर है, वो अच्छे से जानते हैं। वो इसको हिंदूज और इंदूस कह के बुलाते थे। और जो जमीन है, जो एक जमीन है इस रिवर की, रिवर के साथ लगती जो है, जो जमीन है जो रिवर के साथ लगती है उसको जो है इंडिया बोला जाता है। द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन तो कहते हैं जो भरता जो नाम है वो जो है यूज किया जाता है एक लोगों के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा जो कि जो जो कि कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में जो है रहते थे, और इनका जो रिकॉर्ड है ऋग्वेदा में भी है। फिर कहते हैं इनको संस्कृत में भी जो है जाना जाता है ऋग्वेदा को। आगे लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, इसके बाद में जो है ये कंट्री के लिए यूज होने लपड़ा। क्या यूज होने लपड़ा? भरता जो नाम है वो कंट्री के लिए यूज होने लपड़ा। नेक्स्ट फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट पुराना जो समय है उसके बारे में जानना। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कहते हैं बहुत जरिए हैं अब तो पुराने जो है हम अपने पास्ट को जान सकें। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, कहते हैं पहला है कि जा तो आप इसके बारे में सर्च करो या फिर आप इसके बारे में किताबें जो है रीड कर सकते हो जो कि बहुत पहले की लिखी हुई हैं। These are called manuscripts because they were written by hands. This becomes from the Latin word manu meaning hand. कहते हैं manuscripts जो है उसके द्वारा, उसके जरिए से आप पुरानी जो बातें हैं, पुराना जो पास्ट में हमारे पुराने समय में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आप जान सकते हो। अब manuscripts क्या है? manuscripts, मनु का मतलब होता है हैंड, मतलब वो स्क्रिप्ट, वो चीज, वो एक पेज और डायरी कह लो, जो भी वो चीज है, वो जो लिखी गई है उसमें जो भी लिखा गया है वो हाथ से लिखा गया है, जिसको बोला जाता है मनुस्क्रिप्ट। कहते हैं मनुस्क्रिप्ट में जो है आप जाके जो है आप पढ़ सकते हो कि पुराने जो है आपको उसके बारे में पता लगेगा। These were visually written on palm leaf or on specially prepared bark of a tree known as beech, which grow in the Himalayas. कहते हैं ये जो है ये palm leaf में लिखा जाता है। जो palm के leaf है वो बहुत बड़े होते थे साइज में, तो उधर भी जो है कई चीजें जो है palm leaf जो कि ट्री की जो बाग है ना, जो बाक है उधर जो है लिखे जाते थे कई चीजें। कई जो लीफ है पाम लीफ जो है वो काफी बड़ा होता है साइज में, तो उधर जो है लिखे जाते हैं पुरानी बातें, जिसको हम बोलते हैं बच, विच ग्रोज इन हिमालय, जो कि हिमालयाज में उगते हैं, ग्रो उधर होते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी, कहते हैं कई साल पहले जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो जो है इंसेक्ट से खाए गए और कई जो है ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। पर कहीं नेक्स्ट कहते हैं कई जो है वो अभी भी है, अभी भी मौजूद है मैन्युस्क्रिप्ट्स। वो कहाँ है? ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, कहते हैं कहीं जो है वो अभी भी रखे हुए हैं संभाल के,
टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में, म्यूजियम्स हो गए, ये गुरुद्वारा हो गया, टेम्पल हो गया कोई, तो इधर जो है संभाल के रखे गए हैं। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। कहते ये जो किताबें हैं ना, ये हर एक चीज के बारे में आपको बताती है, जो एक मनुस्क्रिप्ट में लिखा गया है वो भी आपको हर एक चीज के बारे में बताती है, आपके रिलीजियस के बारे में, आपके एक धर्म के बारे में बताती है, जो आपके धर्म में बातें हुई हैं सब उसके बारे में बताती हैं। देन जो है किंग्स जो है उनके बारे में बताती है, मेडिसिन जो है उसके बारे में बताती है, साइंस के बारे में बताती है। बिसाइड देयर वर इपिक्स, इपिक्स मतलब पुराना, आपका पास्ट, आपके पास्ट के बारे में बताते हैं, जो पोइम्स हैं वो लिखी गई हैं, जो प्लेज हैं नाटक हैं वो लिखे गए हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। कहते हैं कई जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, कई जो है वो तमिल में लिखे गए हैं, और कई जो है वो प्रकृत लैंग्वेज है ये एक, उसमें जो है लिखे गए हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, कहते हैं हम जो है इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी जानेंगे। कहते हैं जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्या होते हैं, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। कहते हैं अगर आप कोई भी हार्ड सरफेस में जो है मतलब हार्ड सरफेस में अगर आप कुछ लिखते हो, हार्ड सरफेस जैसे कि किसका हो गया, एक पत्थर, एक मेटल है ना, उसके ऊपर अगर आप कुछ लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। डेफिनेशन ये है, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन और मेटल। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इनक्रिप्ट सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे देम। कहते हैं कभी कभार जो किंग्स हैं वो ऑर्डर कर देते थे लोगों को कि आप देखो पढ़ो और उस चीज को जो है फॉलो करो। पहले क्या होता था, जब कुछ ऐलान करना होता था तो या तो सिपाही है वो ऐलान करता था पूरे गांव में, या फिर एक पर्चा टाइप था चिट्ठी जिसमें पॉइंट्स बना दिए जाते थे और वो लोगों को पढ़ाए जाते थे, जो कि आपको लोगों को जो है पढ़ाए जाते थे, दिखाए जाते थे और बोला था इस चीज को जो है फॉलो करो। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंक्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिगार्डेड व्हाट दे। कहते हैं कि अलग टाइप के जो है इंस्क्रिप्शंस भी हैं, चीजें हैं जिधर जो है एक मैन और जो वुमेन है वो जो है बताते हैं कि मतलब मैन और वुमेन के बारे में बताते हैं, एक किंग और क्वीन के बारे में बताया जाता है, इस चीजों के बारे में जो है रिकॉर्ड है इंक्रिप्शन में। एग्जाम्पल, किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। कहते हैं जो किंग्स हैं उनके पास एक रिकॉर्ड होता है अपनी एक बैटल का, कि हाँ वो ये कुछ ये चीजें जो है लड़े हैं उन्होंने, तो इस चीज का भी जो है बैटल का उनके पास सारा जो है रिकॉर्ड होता है। कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस और व्हाट वुड बी द डिफिकल्टीज। कहते कभी सोचा है कि इधर जो इतनी ये हार्ड सरफेस में लिखते थे इसका फायदा क्या है, और देयर वर मैनी अदर थिंग्स डैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। कहते हैं वो लोग वो चीजें जो कि पुरानी है
और अब भी यूज हो रही है, और जिन्होंने इस चीजों को पढ़ा है, समझा है, वो उनको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट वो है जिन्होंने हाँ पता लगाया कि ये जो चीजें हैं ये हार्ड सरफेस में लिखी जाती हैं, ये पुरानी बातें हैं, ये हैं, तो उनको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। थोड़ा ओके ओके। नेक्स्ट है, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। कहते हैं वो हमारे को ये भी बताते हैं कि पुराने समय में जो है स्टोन, ब्रिक और पेंटिंग और स्कल्पचर, जो डिजाइन्स वगैरह हैं वो ड्रॉ किए गए थे, कौन कौन से थे वो भी बताते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड इक्वेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। कहते हैं ये उन्होंने एक्सप्लोर किया, और इनक्वेट, इनक्वेट का मतलब गहराई में गए, और टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स, ये मतलब जो चीजें हैं पुरानी, ये सारी उन्होंने खोजी। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन एंड अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। कहते कई चीजें हैं वो पत्थर की बनी हुई थी, कहीं जो है बोन की बनी हुई थी, और कहीं जो है क्ले की बनी हुई थी या फिर मेटल की बनी हुई थी। ऑब्जेक्ट्स डेट यूजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते हैं वो चीजें जो कि जो है बड़े हार्ड चीजों से बनी गई है, जो ये है ये चीजें पुरानी है और ये काफी टाइम तक रहते हैं। अब जैसे कि ऊपर जो आपको फोटो दी है वो एक पत्थर में लिखी हुई चीजें, कभी हो सकता है इसको कुछ हो सकता है, क्यों? क्योंकि पहली बार ये पत्थर पे लिखी गई है, इसको कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि हाँ अगर ये इस पे क्रैक आ जाए, क्रैक भी ऐसे नहीं कि आराम से आ जाए, कोई तोड़ेगा तब भी क्रैक आएगा, तब ही मिटेगी, मतलब ऐसे ही मिट सकती, ऐसा कुछ नहीं है मिट नहीं सकती ये ऐसे, अगर कोई जबरदस्ती करेगा तब ही होगा। नेक्स्ट आगे बोला गया, लेफ्ट अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पुराने शहर का जो है ये घड़ा है वो दिखाया गया है। पोर्ट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 years अगो। इतना पुराना जो है ये पोर्ट है, 4700 पुराना ये पोर्ट है, राइट। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, जो इसके राइट में है एक सिल्वर कलर का कॉइन है। कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज अबाउट 2500 years अगो। ये इतना पुराना जो है कॉइन है। इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टूडे। कहते हैं ये कितना डिफरेंट है वो कॉइन से जो कि अब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर
bonds. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish. कहते जो आर्कियोलॉजी जो पुरानी चीजों की खोज कर रहे हैं उन्होंने बोन्स हड्डियां जो ये जानवरों की बर्ड्स की फिश की खोजा टू फाइंड आउट लोग पुराने समय में क्या खाते हैं वो भी उन्होंने जाना. प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रियली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्व इन अ चार्म्ड फॉर्म. कहते हैं कि प्लांट जो है वो ना बट उनके सर्वाइव करने का रीजन क्या है कि जो सीड्स हैं जो ग्रेन है जो वो अगर आप डालोगे सॉइल में तब भी जो है वो सर्वाइव करेंगे तब भी जो है वो एक प्लांट उगेगा और फिर आगे बढ़ा होगा. फिर कहते हैं हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफ्टन यूज द वर्ड सो फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स इंक्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी. कहते हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो जो हैं उन्होंने बहुत स्टडी की पास्ट की और जानना है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं. आगे वंस सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट. कहते हैं कि हम जान सकें लर्न कर पाए अबाउट द पास्ट पुराने समय के बारे में हम जान सकें और जो है समझ सकें उसको. सो हिस्टोरियंस आर आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दी सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट. कहते हैं सारे जो पुराने हिस्टोरियंस हैं जो आर्कोलॉजिस्ट हैं जो कि पुरानी चीजों को सर्च करते हैं उन्होंने डिटेक्टिव्स मतलब ये अजमाया ये ऑब्जर्व की ये चीजें देखा कि कैसे वो मतलब उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि जो है कैसे जो पास्ट है उसके बारे में हम और जान सकें समझ सकें उसको. आगे वन वन पास्ट और मैनी एक पास्ट या बहुत से पास्ट.